हेलो एवरीवन, लेट्स रीड द एट चैप्टर ऑफ इंग्लिश कोर्स बुक। इट्स द इन्फेंट रेस्क्यू। इन्फेंट रेस्क्यू मतलब एक छोटे से बच्चे को बचाना। सो व्हाट इज दिस इन द स्टोरी दैट समवन हैज़ टू रेस्क्यू अ चाइल्ड फॉर्म्स द कंटेंट ऑफ द स्टोरी। सो लेट्स रीड टू फाइंड आउट व्हाट्स रिटन इन इट। जो सड़क है मेट्टुपलयम से थेक्कमपट्टी तक, वो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है ब्राइट मूनलाइट में। द हिल्स इन द डिस्टेंस, थोड़ी दूर पर जो पहाड़ियाँ हैं और जो जंगल हैं, जंगल में जो हरे भरे पेड़ हैं, वो बिल्कुल ऐसे चमक रहे हैं उस सिल्वरी लाइट में। इन द साइलेंस ऑफ द नाइट देयर वॉज द साउंड ऑफ अ ट्रैक्टर। और रात के उस सन्नाटे में, जबकि चांद की रोशनी के कारण सभी पेड़ पौधे और पहाड़ियाँ चमक रही थीं, तो एक आवाज़ आती है जो कि रात के साइलेंस को ब्रेक कर रहा होता है। अ फार्मर रिटर्निंग होम। और ये साउंड था एक ट्रैक्टर का, जिससे कि मालूम पड़ता है कि कोई ट्रैक्टर से कोई फार्मर है जो ट्रैक्टर पर बैठकर अपने घर लौट रहा होता है। इन द डिस्टेंस ही कुड सी सम एलिफेंट्स। थोड़ी ही दूरी पर वो कुछ एलिफेंट्स को देखता है। दे विल गो बैक इन टू द फॉरेस्ट सून, ही थॉट। वो सोचता है कि ये एलिफेंट्स जल्दी ही घर को चले जाएंगे, अपने घर मतलब जंगल को चले जाएंगे। बट द एलिफेंट्स थॉट डिफरेंटली। हालांकि हाथियों के दिमाग में कुछ और चल रहा था। एज ही केम अ लिटिल क्लोजर, ही सॉ अ काउ एलिफेंट ब्लॉकिंग द रोड। जैसे ही वो हाथी उनके और नज़दीक आते हैं, वो देखता है कि ये काउ एलिफेंट है जो कि रोड को ब्लॉक करके बैठा है। शी सीम नर्वस। वो नर्वस दिख रही थी। समथिंग वॉज रॉन्ग, मतलब कुछ तो गड़बड़ थी। ही टर्न्ड ऑफ द इंजन एंड वेटेड फॉर सम टाइम। उसने इंजन अपने ट्रैक्टर के इंजन को बंद किया और कुछ देर इंतज़ार करता रहा। बट द एलिफेंट वॉज गेटिंग मोर एंड मोर रेस्टलेस। लेकिन जो हाथी था वो और ज़्यादा रेस्टलेस, और ज़्यादा बेचैन और घबराई सी दिख रही थी। ही डिसाइडेड टू अलर्ट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उसने डिसाइड किया कि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अलर्ट करेगा, इसकी सूचना देगा। बिकॉज एलिफेंट्स आर रेयर स्पीसीज, दे आर इंडेंजर्ड स्पीसीज, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए जो फार्मर है वो सोचता है कि ही शुड अलर्ट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। पी शरत कुमार, जो एक फॉरेस्ट गार्ड हैं, और पांच और लोग जल्दी से वहाँ पहुँचते हैं। द एलिफेंट वॉज नियर द बैंक्स ऑफ द भवानी रिवर। और जो एलिफेंट्स थे वो भवानी रिवर के किनारे थे। दे स्पेंट 3 आवर्स ट्राइंग टू सेंड द एलिफेंट बैक इन टू द फॉरेस्ट। और इन पांच छह लोगों ने मिलकर लगभग 3 घंटे मेहनत की ताकि एलिफेंट को वापस जंगल में भेजा जा सके। बट शी वुड क्रॉस द रोड एंड देन कम बैक। लेकिन वो सड़क पार तो करती, लेकिन कम बैक, वापस आ जाती एट द सेम स्पॉट, उसी जगह पर वेयर दे हैड फाउंड हर, जहाँ पे उन्होंने उसे पाया था। वाई दे वॉन्डर्ड। और आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, इसको लेकर वे भी चौंक गए थे, परेशान थे। एज इफ टू आंसर दियर क्वेश्चन, दे हर्ड द क्राई ऑफ अ बेबी एलिफेंट। और जैसे कि कोई उनके सवाल का जवाब दे रहा हो, उन्हें एक बेबी एलिफेंट की आवाज़ सुनाई देती है। बट वेयर वॉज इट, ये कहाँ था। दे स्टार्टेड सर्चिंग एंड फाउंड द काफ, अ 10-day-old बेबी विद अ टेंडर पिंक टिप्ड ट्रंक एंड फाइन सॉफ्ट हेयर ऑन इट्स हेड एंड बैक। दे फेल्ट सो सॉरी फॉर द लिटिल क्रिएचर। उन्हें उस एलिफेंट को देखकर काफ़ी सॉरी फील हुआ, काफ़ी अफसोस महसूस हुआ, क्योंकि ये 10 दिनों का ही बच्चा था, जिसके शरीर पे अभी भी छोटे छोटे बाल थे, और उसके पिंक टिप्ड ट्रंक, फाइन सॉफ्ट हेयर, और वो बिल्कुल काफ़ी डेलिकेट, टेंडर, टेंडर मतलब सॉफ्ट। तो वो एलिफेंट, बेबी एलिफेंट, काफ़ी सॉफ्ट था, काफ़ी छोटा था, अभी तो बस 10 दिनों का ही था। द लिटिल थिंग वॉज स्टक इन अ सैंडी होल। और ये जो छोटा सा हाथी है, जो नन्ना हाथी है, वो गॉट स्टक। स्टक मीन्स फंस जाना। वो फंस गया था एक सैंडी होल में, मतलब बालू के ढेर में,
वीक एंड टायर्ड फ्रॉम हंगर, और वो 10 दिनों से वहीं फंसा है, और वो 10 दिन का हाथी वहाँ फंसा हुआ है, जिस कारण से वो वीक भी है और कमज़ोर भी है और थका हुआ भी है, क्योंकि वो भूखा है। द रेस्क्यूअर्स क्विकली मेड अरेंजमेंट्स टू फीड द बेबी विथ ग्लूकोज एंड कोकोनट वाटर। तो रेस्क्यूअर्स ने तुरंत ही तैयारियाँ की कि वो खिला सके, टू फीड, फीड मतलब खिलाना, कि वो बेबी को ग्लूकोज और कोकोनट वाटर खिला सकें। दे मैनेज टू लिफ्ट द काफ आउट ऑफ द सैंडी पिट, और वो किसी तरह से काफ़ी मशक्क़त के बाद नन्हे हाथी को उस गड्ढे से निकाल पाने में कामयाब भी होते हैं। बट द काफ वॉज स्टिल टू फ्राइटेंड, लेकिन जो काफ था वो अब भी काफ़ी डरा हुआ था, एंड वीक टू वॉक ऑन इट्स ओन, और काफ़ी कमज़ोर था कि वो खुद से चलकर कहीं जा पाए। मतलब जो काफ था वो काफ़ी कमज़ोर और काफ़ी डरा हुआ दोनों ही था। द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स न्यू दैट द मदर वॉज क्लोज बाई। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को पता था कि उसकी माँ आसपास ही है। इफ दे डिड नॉट एक्ट फास्ट द मदर कुड अटैक देम, और अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो उनकी माँ उन पर अटैक कर देगी। दैट वॉज व्हेन शरद कुमार डिसाइडेड टू डू अ ग्रेट एक्ट। ये तब शरद कुमार, जो कि फॉरेस्ट गार्ड थे, उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि वो कुछ डिफरेंट करें, कुछ बहुत बड़ा करें, टू डू अ ग्रेट एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड ब्रेवरी। ही पिक्ड अप द काफ, कामड इट, कैरीड इट ऑन हिज शोल्डर्स। उन्होंने उस हाथी के बच्चे को अपने कंधे पे उठाया। लाइक यू सी इन दिस पिक्चर, ही इज़ कैरिंग द एलिफेंट ऑन हिज शोल्डर, द बेबी काफ ऑन हिज शोल्डर। वो उसे अपने कंधे पर ले जाता है, एंड वॉक टूवर्ड्स द फॉरेस्ट। इट वॉज क्विकर एंड सेफर दैट वे। और वो उसे लेकर जंगल में उस तरफ जाते हैं जहाँ पे सेफ था उनके लिए। इट वॉज क्विकर एंड सेफर दैट वे। आफ्टर कैरिंग द बेबी एलिफेंट फॉर अबाउट 50 मीटर्स, ही पुट इट डाउन नियर अ वाटर होल। लगभग 50 मीटर तक उन्होंने उस भारी भरकम हाथी के बच्चे को अपने कंधे पे ढोए रखा, और 50 मीटर जाने के बाद उन्होंने उसे नीचे रखा एक वाटर होल के पास, होपिंग द मर्डर वुड फाइंड इट, इस आशा में कि शायद उसकी माँ उसे ढूंढ लेगी। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटे के बाद ही शरद कुमार वेंट टू द वाटर होल। शरद कुमार उस वाटर होल के पास जाते हैं। द काफ वॉजेंट देयर, जो काफ था वो वहाँ पर नहीं था। द मदर एंड हर काफ हैड गॉन सेफली इन टू द फॉरेस्ट। मदर एलिफेंट एंड द बेबी एलिफेंट बोथ हैड वेंट टू सम प्लेस इन द फॉरेस्ट। मे बी इट वॉज हर वे ऑफ सेइंग थैंक यू फॉर रेस्क्यूइंग माई एलिफेंट। और जब उन्हें एलिफेंट के ट्रम्फेट, एलिफेंट के चिंघारने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो ये समझते हैं कि मे बी कि शायद ये वो तरीका हो जिससे कि जो मदर एलिफेंट है वो थैंक्स कहना चाहती है, दैट यू हैव रेस्क्यूड माई बेबी एलिफेंट, थैंक यू फॉर रेस्क्यूइंग माई इन्फेंट, मेरे बच्चे को बचाने के लिए थैंक यू। सो दैट्स अबाउट द स्टोरी। वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स एंड अदर थिंग्स इन द क्लास। So till then, thanks. Goodbye.